मैं हूँ बीघा एंड वेलकम टू माय चैनल पर्की मेक्स हिंदी। सो गाइस दिस इज अनदर व्लॉग वीडियो। सो गाइस आज मैं जा रही हूँ जनपद मार्केट, विच इज अ शॉपिंग मार्केट इन दिल्ली नियर कनॉट प्लेस। तो काफ़ी अर्सा हो गया था गाइस स्ट्रीट मार्केट गए हुए। वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस, जो मेरे फेवरेट स्ट्रीट मार्केट है ना दिल्ली में, वो है सरोजनी नगर, जनपद एंड दिल्ली हाट। तो पिछले 2-3 सालों में दिल्ली हाट तो मैं एक दो बार चली गई हूँ, बट सरोजनी नगर और जनपद मैं बिल्कुल भी नहीं गई। तो आज मैंने सोचा जनपद चला जाए, देखते हैं क्या क्या है नया। बहुत ही अच्छा मार्केट है जनपद में, सो मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगी एंड लेट्स सी क्या क्या है वहाँ पे अभी करेंटली। सो नवू आर यू रेडी? नवू इज रेडी, बोलो आई एम रेडी, लेट्स गो। नवू सबको हाय कर दो। हाय। बोलो मैं क्यूटी क्यूटी लग रहा हूँ, और मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं घूमी घूमी जा रहा हूँ। तो गाइस जनपद में ना बेसिकली अगर आप जाएंगे तो वहाँ 3 तरह की मार्केट है। एक जो है मेन एरिया जहाँ पे सरोजनी टाइप स्टफ मिलता है सुपर अफोर्डेबल रेट। एक है फ्रंट लेन जो एम्पोरियम टाइप के रेट्स पे सामान बेचते हैं, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, वहाँ पे लोग बहुत कम शॉपिंग करते हैं। और एक है उसके एडजेसेंट एक लेन विच इज कॉल्ड गुजराती लेन, वहाँ पे काफ़ी अच्छी ज्वेलरी एंड बैग्स मिलते हैं। सो मुझे बेसिकली, मैं आज इसलिए जा रही हूँ कि मुझे एक बहुत अच्छा बोहो बैग चाहिए। मैंने इंस्टाग्राम पे देखा है जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ये वाला बैग, एंड जितने भी इंस्टाग्राम सेलर से पूछा है मतलब वो बता बहुत ही महंगा बोल रहे थे। तो आई वॉज लाइक नो, लेट्स गो टू जनपद। सो लेट्स सी मुझे वहाँ कितने में मिलता है। बेसिकली मैं उसी के लिए जा रही हूँ, बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू एक्सप्लोर डिफरेंट ऑप्शन अभी क्या है मार्केट में, क्योंकि राखी आने वाली है, फेस्टिव सीजन इज अबाउट टू स्टार्ट एंड आई एम रियली एक्साइटेड। रीच द मार्केट, यहाँ पे ऑफिशियल पार्किंग है जनपद की, वहाँ पे हमने पार्किंग कर ली है एंड लेट्स गो टू द मार्केट नाउ। गाइस द स्ट्रगल ऑफ मम्मी एंड डैडी व्लॉगर, बेबी जो है वो सो गई है, उसको ऐसे ही ले जा रहे हैं हम बिकॉज वी हैव नो अदर ऑप्शन। नवू जो है पूरी कार में एक्टिव रहती है, और जैसे ही जो है डेस्टिनेशन आती है तो वो सो जाती है, उसका 2-3 बार तो यही हो रहा है। सो गाइज वी आर गोइंग टू द गुजराती लेन नाउ, जो बिल्कुल मेरे सामने है। सो दिस गाइज इज द गुजराती लेन, एकदम पूरी ये लेन गुजराती लेन है। सो लेट्स गो देयर। सो गाइज दिस इज द गुजराती लेन, और ये जो लेन है बहुत छोटी है, 200 मीटर के अराउंड की लेन है। आप कहीं किसी से भी पूछेंगे ना जनपद पे तो आपको बता देंगे कि गुजराती लेन कहाँ पे है। सो दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ द लेन। सबसे पहला स्टॉप था मेरा ये वाला स्टॉप, जहाँ पे मुझे बहुत सारे बैग्स दिखे, एंड यू कैन सी दीज आर ब्यूटिफुल हैंड क्राफ्टेड बैग्स। इनमें बहुत मेहनत लगती है, और ऐसे आइटम्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं, स्पेशली और एम्पोरियम्स में बहुत महंगे मिलते हैं, और फेस्टिव और वेडिंग सीजन में तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मुझे जो बैग चाहिए था वो एग्जैक्टली ऐसा नहीं था, सो आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर मोर एंड मोर शॉप्स, बट यू कैन सी यहाँ कितनी ज़्यादा वेराइटी है। ऑल्सो इस तरह के नवरात्रि में जो लहंगे चलते हैं वो भी आपको यहाँ बहुत ही अच्छे रेट्स पे मिल जाएंगे। इस तरह के और मतलब बैग्स की तो इतनी वैरायटी है कि क्या बताऊँ। और इस तरह के अम्ब्रेलास भी जो आपको राजस्थान में मिलते हैं, इस तरह की हैंडक्राफ्टेड जैकेट्स। सो और मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ क्या है यहाँ पे। सो गुजराती लेन इज़ ऑल्सो वेरी फेमस फॉर सिल्वर ज्वेलरी, यहाँ बहुत ज़्यादा जंक ज्वेलरी मिलती है एट सुपर अफोर्डेबल रेट्स, एंड इस तरह के आपको होम डेकोर आइटम्स भी मिल जाएंगे। तो इस तरह के नेकलेसेस आपको बहुत सारी वैरायटी में मिलेंगे, ईयरिंग्स की इतनी वैरायटी है, मतलब पेंडेमिक में मैंने इसे ऑनलाइन दिया है, यहाँ सब कुछ ऑफलाइन बहुत सस्ता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 80 रुपीज़ टू मैक्सिमम 300-400 रुपीज़ में आपको जंक चीज सिल्वर ज्वेलरी मिल जाएगी। फाइनली आई रीच दिस शॉप जहाँ मुझे फाइनली जो बैग मुझे चाहिए था वो दिखे। सो आई मतलब इस दुकान पे ना मुझे कम से कम आधा घंटा लगा बार्गेनिंग के लिए, मैं सारी स्टोरी आपको लास्ट में बताऊंगी। एंड दिस इज़ ऑल्सो अ शॉप जहाँ बहुत प्यारे बैंगल्स थे, तो आपको पूरी गुजराती रेंज में बहुत अच्छी जंक ज्वेलरी मिल जाएगी, एंड इस तरह के होम डेकोर आइटम्स, प्लेस मैट्स, हैंड क्राफ्टेड टेबल मैट्स,
बहुत ज़्यादा वैरायटी है यहाँ, प्लस द रेट्स आर ऑल्सो रियली गुड. आपको बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करनी पड़ेगी इस मार्केट में बिकॉज यहाँ जो लेडीज़ हैं दे आर एक्सपर्ट इन बिजनेस, तो बार्गेनिंग बहुत करनी है. पर्सेस की, इस तरह के छोटे छोटे पोटलीज की बहुत वैरायटी है विच आर लुक ग्रेट इन द फेस्टिव सीजन विद साड़ीज. ऑल्सो मैंने साड़ीज देखी, पटोला साड़ीज थी, गुजराती साड़ीज थी, इस तरह के लहंगे बहुत सारे थे, इस तरह के दुपट्टे थे बहुत सारे हैंडक्राफ्टेड वाले, एंड इस तरह की प्लेस मैट्स जो हैंडक्राफ्टेड होती हैं टेबल मैट्स, बहुत अच्छी रेंज थी यहाँ पे. होम डेकोर के यहाँ बहुत ज़्यादा वैरायटी थी एंड आपको मार्केट से 1/4 प्राइस पे यहाँ मिल जाएंगे. ऑल्सो कुर्तीज की भी बहुत वैरायटी थी, हैंडक्राफ्टेड डेनिम जैकेट्स भी यहाँ थे जो बहुत अच्छे लगते हैं, एंड बैग्स की बहुत वैरायटी थी. इस तरह की क्लचेस जो आजकल बहुत चल रहे हैं वो भी यहाँ थे, एंड ये जो लंबी सी लेन है ये यहाँ एंड हो जाती है. हम कहाँ हैं? जनपद गुजराती लेन. सो गाइस घूमते घूमते हो गए हैं मुझे 1.5 आवर्स. मैं बहुत ज़्यादा यहाँ बार्गेनिंग की है, इतनी बार्गेनिंग की है गाइस कि बार्गेनिंग की सारी आज हदें पार कर दी हैं. मैंने कुछ ज्वेलरी ली है एंड एक मुझे बोहो बैग जो चाहिए था वो मिला है, बट गाइस मुझे वो सस्ते में नहीं मिला है. सो मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या लिया है, बट आई एम रियली हैप्पी विद माई शॉपिंग. ज्वेलरी तो मुझे सब जगह मिल जाती है सस्ती, बट ये बैग जो है वो नहीं मिल रहा था सस्ता, बहुत बार्गेनिंग की गई है. फाइनली मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन दैट इज़ एन अमेजिंग 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 बैग. तो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया. मैंने बेसिकली दो बैंगल्स लिए हैं, एक नेकलेस लिया है और क्या लिया है मैंने, और एक मैंने बैग लिया है. बस मैंने यही लिया है 1.5 घंटे में, क्योंकि मैंने वही चीज़ें ली हैं जो मुझे ज़रूरत थी, जो मुझे अच्छी लगी. मैंने बहुत ज़्यादा जैसे पहले शॉपिंग करती थी वैसे नहीं की है, बट दिस इज़ एन अमेजिंग मार्केट गाइज. और मुझे ना मेन लेन से भी अच्छी वाली लेन लगती है, गुजराती लेन, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही प्यारे हैंडवर्क हैंडक्राफ्टेड जो है आइटम्स मिलते हैं, जो आपको अदरवाइज जो है दिवाली एग्जीबिशन एंड फेस्टिव एग्जीबिशन में मिलते हैं वो यहाँ अच्छे रेट पर मिल जाते हैं. सो यहाँ दुपट्टे भी थे, कुर्तीज भी थे, पर मुझे वो सब नहीं लेना था इसलिए मैंने नहीं लिया. बट मैं आपको ब्लॉग में दिखा दूंगी यहाँ क्या क्या है. टेबल मैट्स इतनी अच्छी हैंडक्राफ्टेड बहुत अच्छी मिलती हैं. एम्पोरियम्स पे आपको 4x 5x रेट मिलेंगे यहाँ से, बट यहाँ काफ़ी अच्छे रेट में मिल जाता है. बट बैग नहीं मिला, बहुत सस्ते में, बड़ा दुख है, लेकिन बहुत अच्छा बैग मिल गया, इसकी बहुत खुशी है. हाई गाइज, सो दिस इज नेक्स्ट डे. कल मैं काफ़ी थक गई थी गाइस शॉपिंग के बाद, बिकॉज बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी. दिल्ली में वेदर इज़ रियली रियली बैड सिंस लास्ट 2 मंथ्स. मतलब इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी, जैसे ही एसी बंद होता है ना हालत ख़राब हो जाती है एकदम. सो लेट मी जस्ट शो यू मैंने क्या क्या खरीदा ड्यूरिंग द शॉपिंग. सो लेट मी शो यू सम ऑफ द ज्वेलरी. ज्वेलरी ना मैंने बहुत ज़्यादा नहीं खरीदी, ऑल्दो जनपद इज़ रियली ग्रेट फॉर जंक ज्वेलरी, लेकिन मेरे पास इतनी सारी ज्वेलरी है, स्पेशली द ज्वेलरी ब्रांड्स, अ लॉट ऑफ ब्रांड्स सेंड मी पीआर. तो मेरे पास काफ़ी ज्वेलरी है, और अब तो मैंने काफ़ी सारे ब्रांड्स को मना कर दिया, डोंट सेंड मी ज्वेलरी एनीमोर, बिकॉज मेरे पास इतना स्पेस है एंड आई ऑलमोस्ट हैव लाइक एवरीथिंग. सो दिस इज अ 3 पीसेस ज्वेलरी के जो मैंने लिए फ्रॉम जनपद, मुझे अच्छे लगे इसलिए मैंने ले लिए. आई एम सॉरी गाइस, पीछे बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है बिकॉज हमारे यहाँ पता नहीं कब से सदियों से काम चल रहा है जो खत्म ही नहीं हो रहा है. कभी ऊपर के फ्लोर वालों के यहाँ, कभी नीचे के फ्लोर वालों के यहाँ, कभी सोसाइटी में. आई एम रियली रियली अनॉयड बाई दीज कंस्ट्रक्शन थिंग्स, लेकिन क्या कर सकते हैं. सो फर्स्ट वन इज दिस ब्रास नेकलेस जो मैंने लिया. सो दिस इज़ रियली नाइस सिल्वर, और ये वेरी वेरी पेल पिंक में है, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल नेकलेस है, एंड इसके साथ की दो इयररिंग्स हैं विच आर दीज. सो दीज आर द इयररिंग्स, दिस इज द नेकलेस. सो वेरी ब्यूटीफुल नेकलेस. ये जो है ब्रास में है. ब्रास के जो नेकलेस सेट्स हैं वो महंगे आते हैं, नॉर्मल जो जंक सिल्वर ज्वेलरी होती है
तो जो नॉर्मल नेकलेस है सिल्वर के वो जनपद में स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 100 रुपीज एंड गोज अप टू 300-400 मैक्सिमम. बहुत बार्गेनिंग करना पड़ता है बिकॉज स्टार्टिंग में आपको 1000-1500 बोलेंगे. तो ये जो नेकलेस है इसका स्टार्टिंग प्राइस दिस एट 1000 एंड आई गॉट दिस वन फॉर 400. 400 भी इसलिए क्योंकि ब्रास का है, अदरवाइज और भी सस्ता मिलता. एंड ये वाले जो ब्रास सेट्स है ना ये सेम मैंने ऑनलाइन देखे हैं फॉर अबाउट 1500-1600. तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मेरे काफ़ी आउटफिट्स पे जाएगा तो इसलिए आई गॉट दिस. नेक्स्ट मैंने दो कंगन लिए बिकॉज फेस्टिव सीजन आ रहा है एंड आई ऑल्सो लाइक टू वेयर सिल्वर कंगन अ लॉट. सो दिस इज इट. और ये मैं आपको दूसरा भी कंगन दिखाती हूँ. 200 में दो लिए हैं. सो फर्स्ट वन इज दिस पेच वाला कंगन है ये एंड इट लुक्स लाइक दिस. एंड जो दूसरा कंगन है ना इट लुक्स लाइक दिस. इसमें लक्ष्मी जी बनी हुई हैं. सो इट इज लाइक दिस. ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा. और दिस इज हाउ इट लुक्स. अच्छा है ये दोनों पेयर में भी अच्छे लगेंगे लाइक दिस. ऐसे ऐसे करते हैं. आई लव सिल्वर ज्वेलरी एज यू ऑल नो. मुझे गोल्ड से भी ज़्यादा सिल्वर ज्वेलरी पसंद है एंड साड़ीज में सूट्स में पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है. नेक्स्ट गाइस जो मैं लेने गई थी मैं आपको दिखाती हूँ दी बैग, दी बोहो बैग जो बहुत इंस्टा फेमस है. बट गाइस ये मुझे वहाँ भी सस्ता नहीं मिला. सो दिस इज अ बैग बट लुक एट द बैग हाउ प्रिटी इज दिस. आई जस्ट लव दिस बैग. इसमें देखिए कितना सारा हैंडवर्क का पूरा हैंड क्राफ्टेड बैग है ये. एंड इसकी जो बेल्ट है ऑल्सो इट इज रियली रियली ब्यूटिफुल. सो दिस इज द बेल्ट. एंड गाइज मैं आपको बताऊँ इसमें जो छोटा बैग है ना मैं यहाँ क्लिप लगा दूंगी. मैंने दोनों ट्राई किए थे. छोटा बैग है वो रेंज स्टार्ट होती है फ्रॉम 2000 to 3000 एंड ये वाला जो बैग है स्टार्ट फ्रॉम 3800 अप टू 5000-5500. तो इसके लिए मैंने गाइज इतनी बार्गेनिंग की जितनी मैंने किसी के लिए नहीं की. फर्स्ट लेट मी टेल यू ये वाला बैग जो ऑनलाइन है थोड़े कम काम वाला 3500 का मिल रहा है, थोड़े और काम वाला 4500 का मिल रहा है एंड बहुत कम इंस्टाग्राम एक दो स्टोर पर मिला मुझे और कहीं भी नहीं है. अमेजोन पर नहीं, मिंत्रा पे नहीं. स्पेशली हैंडक्राफ्टेड बैग्स होते हैं ये एंड वो जो स्टोर्स थे ना मुझे थोड़ी सी शेडी लग रहे थे, मुझे वो नहीं ठीक लग रहे थे बिकॉज पता नहीं कई बार ऐसा होता है कि आप पेमेंट करते हो आपको सामान नहीं आता बिकॉज दीज आर नॉट वेरी रिलायबल स्टोर्स. तो मुझे लगा बेस्ट है कि मैं वहीं से ले लूँ एंड आई गॉट दिस वन फॉर 3500 रुपीज़ गाइज. मतलब मैंने इतनी बार्गेनिंग की, आधा घंटा बार्गेनिंग की, तब भी वो जो लेडी है वो कम करने को तैयार नहीं थी. शी स्टार्टेड दिस वन विद 4800 और मुझे 3500 में दिया है. शी सेड कि आप ये जो कम बेल्ट वाला है ना इसकी कैरी बेल्ट बहुत ज़्यादा काम वाली है तो इसलिए 3500 का. उसने मुझे कम बेल्ट वाली भी दिखाई एंड दैट वॉज फॉर 2500 रुपीज़. बट मुझे यही बहुत पसंद आया विद दिस बेल्ट तो मैंने ये ले लिया. तो इस टाइप के बैग आपको जनपद पे मैं बता दूँ स्टार्टिंग छोटे वाले 2000-2200-2500 के मिलेंगे एंड जो बड़े वाले बैग हैं थोड़े कम काम वाले आपको 2500-3000 मिलेंगे और इस तरह के काम वाले आपको 3800-4000 इस टाइप के मिलेंगे. एंड ये आपको ऑनलाइन और महंगे मिलेंगे, इसमें कम काम होगा और ऑथेंटिसिटी का तो मैं कह ही नहीं सकती. सो मुझे फिर भी लगता है कि ये बैग उन्होंने मुझे महंगा दिया बट आई लव्ड इट सो मच इसलिए मैंने ले लिया. आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मुझे जनपद में 2000 का मिल जाएगा बट मैंने इतनी बार्गेनिंग की फिर भी उसने कम नहीं किया तो मुझे लगा कि शायद इसकी वर्थ जो है वो ज़्यादा है जितना मैं सोच रही थी उससे. बट आई एम स्टिल नॉट श्योर बट द बैग इज रियली ब्यूटिफुल तो मैंने ले लिया. सो गाइस ये था सब कुछ जो मैंने लिया फ्रॉम जनपद. मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदी बिकॉज आई ऑलरेडी हैव अ लॉट. मैंने आपको वार्डरोब टूर में दिखाया था कि आई जस्ट कीप मिनिमल वार्डरोब नाउ बिकॉज एज अ फैशन कंटेंटेटर मेरा जो सामान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. सो इसीलिए अब मैं बहुत माइंडफुल होके चीज़ें लेती हूँ बिकॉज आई ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ ब्रांड कोलेबोरेशन जिनसे भी बहुत सामान आता है तो ऑलरेडी बहुत सामान हो जाता है. सो इसीलिए मुझे जो चाहिए था मैंने वही लिया एंड आई लव्ड गोइंग टू स्ट्रीट मार्केट आफ्टर एजेस. मतलब जनपद तो मुझे लगता है मैं बहुत सालों बाद गई हूँ, नबू के होने के बाद तो पहली बार गई हूँ. बट बच्चे के साथ बहुत मुश्किल से ब्लॉग बनाया है बिकॉज मुश्किल हो जाती है घर में भी उसे रखने को कोई नहीं बिकॉज अभी दादी है नहीं तो उसे लेके जाना पड़ता है और बच्चे को लेके ज़्यादा नहीं घूम सकते हैं.
तो भाई व्लॉग एंड करती हूँ, बहुत ज़्यादा ब्ला 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 हो जाएगा, बट दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट द जनपथ व्लॉग. आई होप आपको पसंद आया. एंड नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं आगरा, तो बस कल हम लोग आगरा जा रहे हैं, उसकी मैं पैकिंग करूँगी आज. एंड आई एम नॉट श्योर मैं वहाँ व्लॉग बनाऊंगी कि नहीं, बिकॉज आई एम टेकिंग अ वर्क ब्रेक. ये दो महीने बहुत ही ज़्यादा बैक टू बैक काम किया है, बहुत थक गई हूँ, बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिंग थी, वेदर वॉज रियली बैड. तो सोचा एक छोटा गेट अवे ले ली टू आगरा. आगरा इसलिए जा रहे हैं बिकॉज अभी हिल्स पे नहीं जा सकते, बीचेस पे नहीं जा सकते, बारिश का मौसम है, इट्स रिस्की. तो इसलिए छोटा सोचा कि एक वीकेंड गेट अवे कर लें टू आगरा. सो गाइस ये था आज का वीडियो, आई होप यू ऑल लाइक्ड इट. मिलती हूँ आपको अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. फील ब्यूटीफुल, बी स्टाइलिश. बाय बाय.